पूरा मामला है, कौन लोग हैं जिनने आपके क्या ससुर जी आपके पति पति और ससुर के ऊपर आरोप लगाया है जिसमें आपके ससुर जी जेल में भी है, क्या पूरा मामला था और क्या आज आवेदन दिया आपने? आवेदन हमने ये दिया है कि हमारे ससुर हमारे जेठ ने एक गलत कागज वगैरह बना के हमारा मकान बेच दिया, जो हमारे ससुर जी ने हमारे पति को दिया था, तो गलत कागज वगैरह बना के उन्होंने वो मकान बेच दिया है। अब जिसने जिसको बेचा है वो हम लोगों के खिलाफ गलत धोखाधड़ी वाला केस लगा के कार्रवाई करवा रहा है, जिसके अंदर हमारे ससुर जी को जेल ले गए हैं और पति को भी ले जा रहे हैं, हमें ले जाने की कार्रवाई चल रही है। कहाँ पे आपका मकान है का और क्या नाम है आपके? मैं ससुर का नाम है अशोक कुचेकर। मकान कहाँ पे? मकान है विद्या पैलेस कॉलोनी। अच्छा, नहीं वहाँ का नहीं, दुर्गा नगर। किसने लगाया केस? ये सुभाष साहू ने लगाया है। कब लगा था ये केस? अभी तो क्या है इसका बैकग्राउंड? ये ब्याज से पैसा चलाता है, पैसा चलाता है, दुर्गा नगर में ही रहता है और इसने जेठ को ब्याज से पैसे दिए थे, उसी के संज्ञान में। कितना पैसा था? 5-1 लाख रुपए। 5-1 लाख रुपए दिए थे उनने, उनको ब्याज से दिए थे तो वो चुका नहीं पाए हैं, तो वो मकान हथियाना चाह रहा है। कितना का मकान है वो? वो आज की तारीख में 15-20 लाख रुपए का मकान है। मकान तो आज जैसे आपने यहाँ शिकायत दी, तो क्या शिकायत दी आपने? हमने यही दी है कि हमको न्याय दिलाए, जब हमारे पति इसमें दोषी नहीं है, हमारे पास कागज जो है, हमारे ससुर ने हमारे नाम मकान करा था, तो उनने हमारे नाम कराया तो हमने उसको बेचा है, उनने तो नकली कागज बना के नकली सब करवा के मकान बेचा है, जब उनके नाम ही मकान नहीं था तो उन्होंने नकली कागज बना के कैसे मकान बेच दिया? और मकान नंबर भी गलत है, फर्जी नंबर है। थाने पे गए थे तो थाने पे गए थे हम लोग, थाने पे कोई सुनवाई नहीं हुई है, सारे कागज जो भी थे हमने सब दिए वहाँ पे, बाकी कोई सुनवाई नहीं की गई। आपका नाम? मेरा पूनम।